नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 10th अक्टूबर को हम मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार 2020 मेंटल हेल्थ डे का थीम सुइसाइड प्रिवेंशन है। मेजर सुइसाइड का पीछे कॉज होता है कि पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को अकेला महसूस करता है या डिप्रेशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसको टॉलरेट नहीं कर पाने की वजह से वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं और सुइसाइड की तरफ वो प्रेरित होते हैं। अब सुइसाइड से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही थेरेपी सबसे ज़्यादा वर्क करती है, उसमें है इंटरपर्सन रिलेशनशिप। इंटरपर्सन रिलेशनशिप डिप्रेशन की सबसे अच्छी थेरेपी है। इसके अंदर में हम व्यक्ति को ये कहा जाता है या हमें सबको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम अपने परिवार के साथ बिताए, या हमारे परिवार में हमें ऐसा लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो अकेला ज़्यादा रह रहा है, उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करें। यदि आपको लगता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने परिवार के साथ में, कहने का मतलब है अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा इंक्रीज़ करने का टाइम है, ताकि आप इस फेज से आराम से निकल सकें। इस फेज से निकलने के लिए आपको हेल्दी डाइट, योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें तो करनी ही है। उसके साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने लिए समय निकालना। अपने लिए समय निकालने के अंदर में आपको अपने लिए कोई भी एक हॉबी या कोई इंटरेस्ट, जो आप सोचते थे कि लाइफ में मैं ये काम सीखूंगा, ये बहुत अच्छा रहे, एक हॉबी को क्रिएट करना है। कई लोगों में हॉबीज़ नहीं होती है, इस वजह से भी वो अपने आप को लोनली फील करते हैं। तो अपनी एक हॉबी को क्रिएट करिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। और उसके साथ ही साथ में, अब हमें जब पता ही नहीं है ये काम कैसे करना है, तो अपने आजू बाजू की सोसाइटी के अंदर में, आपके पड़ोस में, आपके फैमिली के अंदर में ऐसे कई लोग होंगे जो उस पर्टिकुलर हॉबी के ऊपर काम कर रहे हैं या उस क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, तो अपना एक ग्रुप क्रिएट करिए, क्योंकि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, वो आपको 100% इसमें सपोर्ट करेंगे। उस ग्रुप को क्रिएट करिए, उस ग्रुप के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, लाइक आप ड्राइंग कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, जो भी आपका मन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, आप उसको यूज़ करिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपके मूड के लिए, आपके डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अपने लिए टाइम स्पेंड करना है, एक हार्मनी क्रिएट करनी है, लोगों के साथ में एक अपनापन क्रिएट करना है। हमें कई बार डिप्रेशन में किसी से बात करने का मन नहीं होता है, इस वजह से भी हम अकेले होते जाते हैं। तो एक अपनेपन की भावनाओं को दूसरों के साथ में, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में क्रिएट करिए, अपने आप को जोड़िए। जैसे ही आप जोड़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपके मन में खुशहाली और एक हैप्पीनेस की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये क्रिएट होगी, तो आप सडनली या आप महसूस करेंगे धीरे धीरे कि आप अपने आप में जो डिप्रेशन की भावना या लोनलीनेस की भावना जो डेवलप हो रही थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी मेंटल हेल्थ डे के सेलिब्रेशन में, कि अपने आप को दोस्तों के बीच में रखिए, सोसाइटी के बीच में रखिए, ताकि आप डिप्रेशन से दूर रहें और सुसाइड जैसा गलत कदम हम ना उठाएं।